सुपौल में एक नाव कोसी नदी में पलट गई। घटना मरौना प्रखंड के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत घुघरिया पंचायत के घुघरिया घाट की है। नाव पर 12 लोग सवार थे, इनमें से 10 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि 2 लड़कियां लापता हो गई, जिसकी खोजबीन की जा रही है। वहीं एक लड़की का शव सुबह में ग्रामीणों ने बरामद कर लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाव पर सवार सभी लोग कोसी नदी पार कर रहे थे। लोगों ने बताया कि जैसे ही घाट पर नाव पहुंचने वाली थी, अचानक बीच कोसी नदी की मुख्य धारा में नाव में पानी भर गया और नाव डूब गई। इनमें घोघरिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी अमरेंद्र यादव की 14 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और वार्ड नंबर 15 खुकनाहा निवासी भागवत राय की 16 वर्षीय पुत्री माला कुमारी नदी में बह गई है। दोनों में से एक लड़की को सुबह में ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया है। लोगों ने बताया कि नाव छोटी थी और उस पर 12 लोग सवार थे, बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अंचलाधिकारी समेत थाना को दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी घाट पर पहुंच गए। ग्रामीण भी लापता दोनों लड़कियों की खोजबीन में जुट गए, जिनमें से एक लड़की को ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसके शव को सुबह में बरामद किया। मरोना के घोघरिया पंचायत में घोघरिया घाट के पास खुकनहा से नाव आ रही थी और वहाँ पर उतरने क्रम में नाव पलटी मार दी कोसी नदी में मुख्य धारा में, जिसमें 10 आदमी तैर के निकले और 2 बच्ची लापता हो गई है, जिसका एज कम से कम 16 या 18 वर्ष के आसपास है। तो क्या अभी प्रशासन पहुँचा है क्या, गोताखोर सब कोई पहुँचा है? हमारे थाना से तो आए हैं कर्मी, हाँ, गोताखोर नहीं है, हम लोग ग्रामीण हैं सहयोग में। तो खोजबीन जारी है? हाँ, खोजबीन जारी है। मशीन वाला जो नाव होता है स्टीमर, उसको भेजे हैं खोजने के लिए। कौन, ग्रामीण स्तर पे? ग्रामीण स्तर पे। देशवा न्यूज के लिए सुपौल से आशीष की रिपोर्ट।